कैसी लगी आपको कश्मीर फाइल्स? कश्मीर फाइल बहुत अच्छी लगी, मूवी इमोशनल थी, जो कश्मीर के बारे में नहीं पता था लोगों को, इसके थ्रू उसके बारे में पता लगा है। कितने स्टार देंगे आप इस मूवी को? मैं 5 स्टार। बहुत ज़्यादा लाइक अंदर से सोल को लाइक थ्रेट कर, लाइक पूरा हिल जाता है सब अंदर से सब देख के, कि 30 साल तक हमें पता ही नहीं था कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसा भी हुआ, और सब कुछ पता था मगर हाँ पता था कि कश्मीरी पंडितों के कुछ निकाले गए थे, ऐसा हुआ था कुछ, मगर इतना डीपली कभी पता नहीं चला कि ऐसा भी हुआ था कि लोगों को घर से खींच के निकाला, उनको मारा, किस तरह से चीज़ें हुई। लोग जैसे अफजल गुरु और उनके जो लीडर था, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ उसने हाथ मिलाया ये सब करने के बाद भी, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया ये सब होने के बाद भी, बहुत ज़्यादा थ्रेट करता है ये चीज़ें देखे कि कल को जाकर अगर हमारे साथ, हम लोग बहुत सेफ हैं कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, बट वो जो स्टेट में जो हुआ, जो कश्मीरी पंडितों की जो हिस्ट्री थी, वो स्टेट का नाम ही कश्मीर किसी हिंदू से स्कॉलर के नाम पर रखा गया था, फिर बाद में जाकर इतना कुछ जेनोसाइड हुआ, बहुत ज़्यादा थ्रेट करता है। कि आज की डेट में मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या सिचुएशंस है ग्राउंड जीरो पे, बट वो जिस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आगे आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देगी ये मूवी। मैं तो ज़रूर जाना चाहूँगा कश्मीर एक बार, मुझे मेरे को भी मिलना ऐसे लोगों से जो ऐसी सोच रखते हैं, क्योंकि आज मैं खुद को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कल अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे आगे चल के फ्यूचर में, और मेरा फ्यूचर आज की जनरेशन के लिए मेरा एक मोटिव और एक क्वेश्चन और सबके लिए एक चीज़ तो मैं पूछना चाहूँगा कि प्लीज़ पहले तो ये मूवी देखो, उसके बाद खुद से ज़रूर क्वेश्चन करना कि जो आप लोग जानते हो फ़ोन चलाना और कितना कुछ करते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे, क्या वो सब वर्थ करता है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मेरा मानना है सबको अच्छी लगेगी ऐसा, तो मतलब ये मूवी जिस बेस पे मतलब देखा जाए, अगर ये मूवी बनी है तो मतलब ऐसा कह सकते हैं वेकअप कॉल है, मतलब क्योंकि समाज का आईना ही दिखाती है, तो जैसा कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ तो हम तो डेफिनेटली मूवी 5 out of 5। क्या बोलना चाहेंगे लोगों से कि इस मूवीज़ के बारे में? देखिए मूवी कुछ ऐसी दिखाई गई है क्योंकि बेसिकली आज के यूथ को पता नहीं है कि हुआ क्या था, हिस्ट्री में क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, तो मतलब बहुत ही दर्दनाक ऐसा, मतलब हमें जब मूवी देखी तो बहुत ही मतलब ऐसा हुआ था कि थ्रेटन फील सा हुआ हम लोगों को, कि बिल्कुल भी उन लोगों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ ऐसा देखा गया, और किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई उस बात पे आज तक, मतलब कोई लोग जानते नहीं है कि ऐसा भी हुआ था, तो आजकल के यूथ के लिए बहुत ही बढ़िया ये माना जाएगा, लोग मसाला ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं, लेकिन अगर ऐसी मूवीज़ देखें तो उन्हें लगेगा कि हाँ मतलब देश का युवा जाग रहा है, देश जाग रहा है, तो ये हिंदुओं के लिए एक वेकअप कॉल कह सकते हो, मतलब कि ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए, और चाहे वो देखो धर्म जात पात सब एक तरफ होता है, अगर हम वो देखेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन ऐसा एक पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में ऐसा हुआ, पंडितों के साथ ऐसा हुआ, वो वहीं के रहने वाले उन्हीं को भगा दिया गया और किसी ने उनके बारे में पूछा तक नहीं, तो विवेक अग्निहोत्री जी ने जो बनाई है एक मास्टरपीस मूवी बनाई है, तो अगर देखा जाए तो 5 out of 5 मैंने पहले बोल दिया। मैम मूवी बहुत ही अच्छी थी और मतलब काफ़ी रिवीलिंग थी, काफ़ी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी, मतलब बस वही है कि वैसे भी अब तो वो पुराने टाइम पे इतना आइडिया नहीं था, बट अब जैसे कश्मीर में बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ऑल दो वो थोड़ा बहुत आइडिया देते रहते हैं कि कश्मीर में एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जैसा हमें दिखाया जाता है, बट वो ये मूवी में मतलब वही चीज़ एक्सप्रेस की फीलिंग्स के साथ, डायरेक्शंस मतलब उन्होंने काफ़ी सीक्वेंशियल वे में बताया था। बस हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, वैसे तो ऑल दो सब कवर है, पर एक चीज़ मैं पर्सनली सबको बोलना चाहूँगा कि इस मूवी को मतलब इस मूवी को देख के पर्सनल मत लो उसको कि अब आप हिंदू मुस्लिम के लिए एरोगेंट हो रहे हैं या मुस्लिम हिंदू के लिए, ये केवल एक पास्ट है, अनरिवील्ड पास्ट, जो कि मतलब जैसे एग्जैक्टली क्या हुआ था पता नहीं था, तो वही मतलब काइंड ऑफ एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, बस खाली पास्ट एक्सप्रेस किया है। मूवी बहुत अच्छी थी और जो रियलिटी है कश्मीर के बारे में काफ़ी हद तक दिखाने की कोशिश करी है, इट्स अ गुड मूवी, यू कैन वॉच एंड इट्स अ लाइक जो भी कश्मीर में हुआ है, जो भी हो रहा है, बट लाओ मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, बट बहुत सारी चीज़ चेंज होने की नीड है एंड इट्स अ वेरी गुड मूवी। कैसा लगा आपको डायरेक्शन मूवी का? बहुत अच्छा था मूवी का, एवरीथिंग इज़ गुड, यू कैन सी द मूवी अगेन एंड अगेन, 5 out of 5। वेल मूवी को जज करने का तो कोई मैटर ही नहीं बनता, बिकॉज ये मूवी हमें एंटरटेन करने के लिए तो थी नहीं, इट वॉज समथिंग
बताने के लिए कि क्या हुआ है प्रीवियसली. एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो काफ़ी सारे यूथ को ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है. इवन मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है. येस, आई हैड एन आइडिया कि कश्मीर में सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड, जैसे हम लोग यहाँ पर इतना फ्रीली घूमते हैं एंड वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं. I would say that please watch this movie and let's stop whatever is going in our country to protect everyone and to make it a peaceful place to live. कितने grades देंगे आप इस movie को? Well, as I would say, I don't want to give any grades. It's not a movie to entertain us. ये entertainment के लिए नहीं बनाई गई ये movie. It's a real story.